राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 सितंबर को उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करेंगे। इस दौरे के लिए मंदिर में विशेष तैयारियां की जा रही हैं, जिसमें साज सज्जा और सफाई को प्राथमिकता दी गई है। प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि राष्ट्रपति के दौरे के दौरान सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित हो। महाकालेश्वर मंदिर समिति और जिला प्रशासन ने मिलकर राष्ट्रपति के आगमन की तैयारी की है। राष्ट्रपति के दौरे में मंदिर में पूजा अर्चना के साथ साथ महाकाल लोक का भ्रमण भी शामिल है। कलेक्टर और महाकालेश्वर मंदिर समिति के अध्यक्ष नीरज कुमार सिंह ने दौरे की पुष्टि की है और बताया कि राष्ट्रपति सुबह मंदिर पहुंचेंगे। राष्ट्रपति के आगमन के मद्देनजर महाकालेश्वर मंदिर के परिसर को फूलों से सजाया गया है और चारों ओर साफ सफाई के विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही मंदिर में स्वच्छता अभियान भी चलाया जा रहा है। इस मौके पर सरकार की विभिन्न योजनाओं के पोस्टर भी मंदिर परिसर में लगाए गए हैं। महाकालेश्वर मंदिर में 100 से अधिक कर्मचारियों द्वारा सफाई और अन्य व्यवस्थाओं का ध्यान रखा जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों और सुरक्षा दलों ने मंगलवार को मंदिर परिसर का दौरा कर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। यह सुनिश्चित किया गया कि राष्ट्रपति के दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता हो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को देखते हुए मंदिर में श्रद्धालुओं की एंट्री पर रोक लगाई जाएगी। राष्ट्रपति की पूजा अर्चना के बाद ही श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। प्रशासन ने इस बात पर जोर दिया कि मंदिर की सभी तैयारियां उच्च स्तर की होनी चाहिए, ताकि दौरे के दौरान किसी प्रकार की समस्या न हो। महाकालेश्वर मंदिर समिति के प्रशासक गणेश धाकड़ ने जानकारी दी कि राष्ट्रपति की पूजा को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। उन्होंने यह भी बताया कि राष्ट्रपति के कार्यक्रम के दौरान मंदिर परिसर को सुसज्जित और स्वच्छ रखा जाएगा। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इस दौरे के तहत राष्ट्रपति की पूजा अर्चना के बाद उन्हें महाकाल लोक का भ्रमण कराया जाएगा। उनके दौरे के दौरान उज्जैन में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसमें जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और राष्ट्रपति की सुरक्षा से जुड़े अधिकारी शामिल हैं।